हेलो, नमस्ते दोस्तों। ये सुनीता का किचन है। आज किचन में बन रहा है पोहा वाली नमकीन, चूड़ा नमकीन, होली स्पेशल चूड़ा नमकीन। ये आप कभी भी बना के खाइए। ये 10 से 15 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। इसके लिए एक कटोरी चूड़ा और आधी कटोरी मूंगफली दाना लिया, और कुछ मसाले हैं जिसमें जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, सादा नमक, चाट मसाला, काला नमक, ये सारे मसाले हैं। अब ये सारी चीज़ें घर की हैं, चाट मसाला नहीं है, तो आप जो है मत डालें। बाकी जीरा पाउडर ये सब है, या आप यही डालें, घर की चीज़ों से जो आपके पास हो वही डालें आप। अब इसको सबसे पहले हम चूड़ा को छान लेते हैं। चूड़ा में जो गंदगी होगी, ये थोड़ा सा मोटा वाला चूड़ा है, पतला वाला नहीं है। छोटे छोटे जो काड़े जैसे होते हैं वो चूड़ा में से सब साफ हो जाएंगे। तो हमारी ये नमकीन में जो है गंदगी नहीं जाएगी। अब हम बनाना स्टार्ट करें। ये पैन में कढ़ाई में ऑयल रख दिया गरम करने। ये सरसों का ऑयल है, रिफाइंड में नहीं बनाएंगे। इसी में थोड़ा सा देसी घी, थोड़ा सा पड़ा था इसमें पहले डाल दिया था एक चम्मच और डाला देसी घी, तो इसकी जो ऑयल की खुशबू है वो खत्म हो जाएगी, देसी घी की खुशबू इसमें आएगी। ऑयल गर्म हो चुका, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा चूड़ा डाल के सेक लेते हैं। इसको इस तरह से तेल को निकल जाए इसमें से। अब इसमें हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे, ये देखिए। और गरम गरम में ही थोड़ा सा इसमें हम मसाला, ये जो मसाला हमने रखे इन सारे मसालों को हम एक साथ मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा गरम गरम मसाला डाल देंगे तो ये चूड़े में हमारे चिपक जाएगा इस तरह से, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। इसको ऐसे ऐसे हिला देंगे, इसको ऐसे टेढ़ा कर देंगे तो ये सारा तेल इसमें निचुड़ जाएगा। हमारे पास यही छन्नी थी, अगर आपके पास इससे छोटी छन्नी है तो और आप अच्छे से कर पाएंगे। गरी जिसको मैंने पतले पतले टुकड़ों में काट लिया, नारियल सूखा वाला, इसको हल्का सा रोस्ट सिम कर लेते हैं। ये
ये भी देखिए हमारा नारियल भी रोस्ट हो गया, देख पा रहे होंगे आप। इसी तरह से बनाइए, इसको भी ट्रांसफर कर। मुझ हमने 10-15 बादाम है इनको हमने डाला। इसी के साथ हम मूंगफली जो ली है बादाम के साथ हम मूंगफली डालेंगे। गैस के फ्लेम को आप तेज ना करें, धीमे रखें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो ये जलेगा नहीं, आपका सब बहुत अच्छे से फ्राई होगा। अब इसी के साथ हम थोड़े से काजू लिए हैं, इनको भी हम ऐड कर देंगे। अगर हो डाले, ना हो तो कोई बात नहीं, मेरे पास थे तो मैंने डाल दिए, नहीं है तो आप बिल्कुल, ये नहीं कि आपको वो भी डालना है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि काजू को हम हल्का सा करेंगे, हमको ज्यादा रोस्ट नहीं करना, इसलिए मैंने काजू को बाद में डाला। सारी चीजें हमारी रोस्ट हो गई। इसको भी हम ट्रांसफर कर देंगे। और थोड़ा सा हमने लिए है किशमिश, किशमिश को हमें ज्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा एकदम, ये तुरंत जो है फूल जाती है। ये देखिए फूल गई किशमिश हमारी। तेल को निचोड़ देंगे, अब थोड़ा सा मखाना लिया है, ये देखिए एक छोटी कटोरी, इसको भी हम भून लेते हैं। अभी नहीं भुना अच्छे से ये मखाना हमारा, मखाना हमारा भुन गया, अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसको भी इसी में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम लेंगे थोड़ी सी 2-3 मिर्च, लाल मिर्च जो मैंने घर में सुखाई हुई है, और करी पत्ता है, मेरे घर में करी पत्ते का भी पेड़ है, अगर आपके पास है तो आप डाल दें, और नहीं है तो कोई बात नहीं। अब इन सबको हम रोस्ट कर लेते हैं। ये भी भुन गया, अब गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब इस सबको बड़े बर्तन में हम ट्रांसफर कर लेते हैं। इसको सब पूरा ट्रांसफर कर लेते हैं। ये मसाला इसमें थोड़ा मिक्स कर देते हैं। ये देखिए नमकीन हमारी बनके तैयार है, ये देखिए नमकीन हमारी बनके तैयार। देखिए फटाफट
10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगा। आप भी बनाइए फटाफट चूड़े वाली नमकीन। मेरी वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।